नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात जोबनेर की करते हैं, जहां पर गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या का ये पूरा मामला। 18 घंटे बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर आरोपी। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। जोबनेर CHC के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। कल शादी समारोह के दौरान हुआ था विवाद। विवाद के बाद दो युवकों पर चढ़ाई गई थी गाड़ी। परिजनों ने देर रात हत्या का केस कराया था दर्ज। तो ये पूरा मामला, जोबनेर CHC के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। स्थिति को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी आरोपी बाहर है। कल शादी समारोह के दौरान ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद दो युवकों पर चढ़ाई गई थी गाड़ी और परिजनों ने देर रात हत्या का केस कराया था दर्ज। और सुनील कुमावत हमारे स्थानीय संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुनील, इस पूरे मामले में क्या कुछ क्लियर हो पाया है अब तक और किन मांगों के साथ परिजन बैठे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल खुशबू, बताना चाहूंगा कि ये दो दिन पहले किसी विवाद को लेकर हुआ था मामला और कल दो लोगों पे टैंक ये जो कैंपर गाड़ी भी चढ़ाई गई, इसमें एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर कभी घायल है। तो परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर दिया, जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्होंने शव को CHC में रखा हुआ है और थाने का घेराव करके सैकड़ों की संख्या में लोग थाने के बाहर बैठे हैं और उनकी मांग है जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो लोग शव नहीं लेंगे वो। और मौके पे भारी संख्या में पुलिस जाब्ता रास्ता थाना क्षेत्र के पुलिस भी मौजूद। जो आरोपी थे उनकी पहचान परिजनों की तरफ से कर ली गई है? बिल्कुल, बिल्कुल कुछ बताना चाहूंगा, नामजद मामला दर्ज हुआ है SSC और अन्य धाराएं हैं। क्या आ रही है सुनील, क्यों आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले को लेके चल रही है, इनकी जांच पड़ताल चल रही है। आरोपी तलाश में अलग अलग टीमें बनाई गई है जो अलग अलग जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक इनको सफलता हासिल नहीं हुई है। चलिए, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।